फतेहपुर सिटी लोकसभा सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में भाग लेने आए लोकसभा सांसद व अभिनेता रवि किशन ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी बात कही। उनका कहना था कि वह निस्वार्थ संत हैं और वह राम राज्य लाने के लिए ही अवतरित हुए थे। ऐसे संत का हर किसी को साथ देना चाहिए। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है, पूरा देश जान रहा है कि चुनना मोदी जी को है। डबल इंजन की सरकार मोदी योगी जी के काल में, उनके कालखंड में पूरे भारत ने, उत्तर प्रदेश ने जो राम राज्य देखा है, देख रहे हैं, वह ऐतिहासिक है। युवाओं में जो उत्साह है, देखिए सबसे अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया। हमेशा सत्य कहते हैं, झूठ कहा नहीं। पूरा देश इसलिए उनको वोट कर रहा है क्योंकि वो निस्वार्थ संत हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार। कानून व्यवस्था देश को $5 ट्रिलियन से और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। आज 5th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, इसको 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाएंगे। चंद्रमा, चंद्रयान सब जगह मैं गिनवाने जाऊंगा, ऐतिहासिक काम है। बस मैं सभी से ये कहूंगा, ऐसे निस्वार्थ संत मोदी जी जैसे सदियों में अवतरित होते हैं, उनको पूरा देश खोना नहीं चाहेगा। एक एक आदमी मोदी जी के लिए निकल रहा है। उनका कहना था कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, आज हर कोई सिर्फ पीएम मोदी को चाहता है, क्योंकि वह परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। इसलिए आज हर किसी की आवाज पीएम मोदी बन गए हैं। हर धर्म का, हर बिरादरी का, हर जात का, वो हिंदू हो, वो मुसलमान महिला हो, वो यादव समाज हो, वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, हर समाज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जान देने तैयार है। 140 करोड़ की जनता सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो एक निस्वार्थ संत हैं, जो इस भारत की सेवा करने आए हैं, अवतरित हुए हैं, उनको तीसरी बार 400 पार से जिताएगा, इस भारत को विकसित भारत बनाएगा, विश्व गुरु बनाएगा। और मेरा भारत यही चाह रहा है, मेरा युवा, मेरे घर की बेटियां, मेरे देश की बेटियां यही चाह रही हैं कि मोदी जी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए।